अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने आमान में, हिफ्ज में, अपने हिफाजत में, अपने रहमत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, उसके फ़जल से, उसके करम से, उसके इज़्न से सूरतुल बकरा हमें अल्लाह ने तौफीक दी और हमने इसको मुकम्मल किया, बल्कि अल्लाह ने इसको मुकम्मल करवाया, एहसान है उसका। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, एक कोशिश है मेरी कि अल्लाह के कलाम को जहाँ तक अल्लाह ताला पहुँचाना चाहे, ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की क़ुव्वत है, क्योंकि अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। जहाँ तक उसे पहुँचाना है, अल्लाह ताला अपने कलाम को पहुँचा कर रहेंगे। और एक छोटी सी मेरी ये कोशिश है और हर सुनने वाले से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये मेरी पहली कोशिश है और मेरा पहला तजुर्बा है। और मेरी कोशिश में देखिए, इंसान है, इंसान से गलती होती है। सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि कहीं पर भी उन्हें मेरी कोई गलती लगे तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मेरी गलती पर जो है वो आप मेरी इस्लाह करिए। हर सुनने वाले से मेरी यही उम्मीद है कि वो मेरी इस्लाह के लिए जो आगे आगे होंगे इंशाल्लाह। और कहीं पर भी आपको कोई भी गलती लगे तो आप मुझे जो है वो कमेंट में आप बता दीजिए किसी भी तरीके से, ताकि अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, और इसके अल्लाह के कलाम को कोशिश करिए ज़्यादातर दूसरों तक पहुँचाने की। इंशाल्लाह आप भी सुनिए, क्या पता कि अल्लाह ताला अपने कलाम से किसका दिल खोल दें और किसको हिदायत दे दें। तो देखिए, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है और अल्लाह का काम है उसे लोगों तक पहुँचाना, हिदायत की तरफ फेरना, क्योंकि दिलों को फेरने की क़ुव्वत ताकत सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला की है। और ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह के कलाम को आम करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उन्हें की हदीसों को वो आम करने की कोशिश करें अपनी तौर पे, अपनी ज़िंदगी में। हर इंसान को, हर मुसलमान को अपनी तरह के, अपने तौर पर एक न एक कोशिश ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करके जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर भी कमी बेशी आपको लगे या मैं और किस तरीके से और अपनी इस्लाह कर सकूं और अल्लाह के दीन का काम किस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकूं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जो है वो गाइड करें इंशाल्लाह और मेरी इस्लाह करें। और एक बात कहनी थी आपसे कि इंशाल्लाह आप अल-क़ुरान व हयाती के जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो सूरतुल बकरा पूरा सुनने के बाद आप कोशिश करिए कि अपने अपने ग्रुप में आप फीडबैक दीजिए कि अल्लाह के कलाम को समझने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, या फिर इससे पहले आपने जो है अल्लाह का कलाम सुना था, समझा था नहीं, या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए और क्या आपके दिल में तड़प पैदा हुई कि पूरा कुरान वाकई हमको समझ कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अल्लाह के अहकाम जो है वो समझ में आते हैं। तो कोशिश करिए अपने अपने ग्रुप में आप लोग जो है अपने जो एडमिन को फीडबैक देने की कोशिश करिए इंशाल्लाह। फीडबैक जो है वो आपको इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे के पहले पहले जो है वो दे देना है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। सूरतुल बकरा आयत नंबर 284 to 286। بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبتوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ayat number 284 to 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah hi ka hai jo kuch aasmanon mein aur jo zameen mein hai. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Agar tum zahir karo jo tumhare jee mein hai ya tum chupao use, hisab lega Allah uska. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. پھر وہ مغفرت کرے جس کی چاہے اور عذاب دے جسے وہ چاہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. ایمان رکھتے ہیں رسول اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، ایمان رکھتے ہیں. کلو آمن باللہ، ہر کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ نہیں ہم فرق کرتے ہیں کسی کے درمیان ان رسولوں میں سے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. الحمدللہ. غفرانک ربنا وإلیک المصیر. مغفرت چاہیے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں تجھ مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں بوجھ ڈالتا ہے اللہ کسی بھی جان پر مگر اس کی وسعت کے جتنا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے جو اس نے کمایا اور ہر نفس پر ہی اس کا اثر ہوگا جو اس نے کمایا. برائی کا وبال بھی اسی نفس پر آئے گا جس نے برائی کمائی ہوگی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب نہیں تو ہمیں پکڑنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب اور نہیں تو ڈالنا ہم پر ایسا بوجھ جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب اور نہیں ڈالنا ہم پر ایسی ذمہ داری کا بوجھ جس کی ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے اس کو اٹھانے کی. واعف عنا، اور معاف فرما دیجئے ہمیں. واغفر لنا، اور مغفرت فرما دیجئے ہماری. وارحمنا، اور رحم فرما دیجئے ہم پر. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہی مولا ہیں ہمارے سو مدد فرمائیے ہماری نافرمان لوگوں کے خلاف. الحمدللہ، اللہ کے حکم سے سورہ جو ہے یہاں پر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی احکامات تھے مجھے اور آپ کو اس پر اور ہر سننے والے کو اور جس لوگوں تک اللہ کا کلام، اللہ کے پیغام پہنچے، سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ، آمین اور رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين امين يا رب العالمين करते हाँ 284 देखते हैं इंशाल्लाह। बहुत ध्यान से सुनेगा, आयत बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। अल्लाह ताला 284 में फरमा रहे सूरतुल बकरा की, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुखफूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि अल्लाह ही का है जो कुछ भी आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में। अब मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि अगर आप सिर्फ लिल्लाह ही पे ध्यान दीजिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह ही का है, सब कुछ अल्लाह ही का है, सारे मिल्कियत, सारे आसमान की बादशाहत, जमीन की बादशाहत, सब कुछ अल्लाह का है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बात बताइए, जब सब कुछ अल्लाह का है तो फिर क्या ये जरूरी नहीं है कि हुकूमत भी अल्लाह की चलनी चाहिए, हुकुम भी अल्लाह का चलना चाहिए, हमें जो है अल्लाह ही का हुकुम मानना चाहिए, है ये बात दुरुस्त? क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल अपा, बिल्कुल ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बात बताइए कि क्या है जो क्या है जमीन और आसमान और जगह पर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो इसके दरमियान है, तो आप बताइए जमीन और आसमान में क्या है, क्या क्या है जमीन और आसमान में जो सब अल्लाह का है? जमीन में पेड़ पौधे, इंसान, मछली, माशाल्लाह, और ओके, हैवानात, नबाता, चरिंद, परिंद, सब अल्लाह ही के हैं, है ना, सब अल्लाह ही का है। ओके ठीक है, और इंसान भी अपा, ओके हम इंसान, गुड, ये सूरज चांद, यस, चांद, सूरज, चरिंद, परिंद जो है वो थोड़े थोड़े करीब जो है वो अनिसान टी थे जवाब के करीब के हम इंसान भी, यानी देखिए कि अल्लाह की जो मिल्कियत है वो हमें अपने आप से शुरू करनी चाहिए। अब एक बात बताइए, सब कुछ मैंने काउंट कर लिया, ये आवाज गई, आपका माइक म्यूट हो गया आपका, शबाना अम्मा, सॉरी सॉरी, अभी आ रही है? हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर। तो मैं कह रही हूँ आपसे कि अल्लाह की जो मिल्कियत है वो हमें अपनी जात से शुरू करना चाहिए, अपनी जात से, जब क्योंकि मैं भी तो अल्लाह की मिल्कियत हूँ ना। बात शायद आपको समझ आ रही होगी अब कि जब मैं भी मेरे रब की हूँ तो फिर मेरा खुद पर कोई इख्तियार नहीं है कि मैं अपने आप को अपनी मर्जी से जो है वो अपनी जिंदगी गुजारूं, मेरा अपने आप पे कोई इख्तियार नहीं, ये जान अल्लाह की दी हुई है, मेरा मेरे मेरे जिस्म में एक एक चीज अल्लाह का दिया हुआ है, मुझे अल्लाह ने जो कुछ अता किया है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है, सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन आप ये सोचिए कि अल्लाह ने जो आपको बनाया है आप अल्लाह के लिए कितना इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीजों को, आप अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कितना खपा रही हैं, आपने अपने आप को कितना अल्लाह के रास्ते में दिया, ये गौर की बात है। अल्लाह ताला बोले सब कुछ जमीन और आसमान का मेरा है, सब अल्लाह का, इंशाल्लाह। अब आयत का जो ये हिस्सा है कि अगर और अगर तुम क्या करो, जाहिर करो जो कुछ भी तुम्हारे जी में है, तुम्हारे दिल में है, नंबर वन थिंग, या तुम छुपाओ उसको, हिसाब लेगा उसका अल्लाह। आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा इन आयतों को पढ़कर? कुछ फील हो रहा है आपको इसको पढ़कर? क्योंकि ये आयतें मैं पढ़ रही हूँ, आप में से तो न जाने कौन कितने लोग किस किस काम में लगे होंगे,
लेकिन सहाबा ने जब इस आयत को पढ़ा सुना सॉरी बहुत ज्यादा फिक्र में पड़ गए थे। वो इतनी फिक्र हो गई थी उन्हें अपनी कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हम जो छुपाते जो जाहिर करते उसका हिसाब लेगा। इतनी फिक्र लग गई थी उन्हें, तो कहने लगे। तो फिर अब देखिए कि उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनकी सोच पर, उनके खौफ पर क्या जवाब दिया, वो इंशाल्लाह हम जो है वो 286 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हाँ लेकिन वयग़फिरु लिमन यशाउ वयुअज़्ज़िबु मन यशाउ, फिर वो क्या करेगा, माफ कर देगा जिसके लिए वो चाहेगा और वो अजाब देगा जिसको वो चाहेगा। ये चीज सोचिए जरा। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जिसके लिए वो चाहेगा वो माफ कर देगा और जिस चीज पर चाहे वो पकड़ कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो कुछ दिल में छुपाती हैं या आप जो कुछ जाहिर करती हैं सबका हिसाब देना पड़ेगा। या रब्बी, हिसाब से आपको कुछ याद आता है? आप में से कौन लोग हैं जो ऐसी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह तू मेरे साथ अदल और इंसाफ का मामला करना। आप में से कोई है जो ऐसी दुआ करता है अल्लाह तू मेरे साथ अदल और इंसाफ का मामला करना? बताइए जरा, करता है कोई? नहीं बाजी, नहीं। क्यों नहीं करते हो? अगर करते हो तो क्यों करते हो, नहीं करते तो क्यों करते हो, बताइए। दोनों का जवाब दीजिए। आप नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं? जी बोलिए। क्योंकि अगर अगर इंसाफ करेंगे तो हम पकड़ में आ जाएंगे। ओके वेरी गुड। और बताइए, अल्लाह दरगुजर फरमाओ। चलिए थोड़ा बहुत, चलो रेहाना का कॉन्सेप्ट क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी लोग से क्या जवाब, बताइए। जी बाजी वो दुआ करते, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबे यसीरा। तो भी तो हिसाब की बात आ गई ना, अल्लाह तुम उसे आसान हिसाब लेना। ठीक है चलो, बहुत बेहतरीन दुआ भी आप कर सकते हो। बताइए और कोई, और किसी के पास कोई जवाब है? देखिए अल्लाह ताला से कभी भी ऐसी दुआ नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ नहीं है जो हम अल्लाह से अदल और इंसाफ की बात करें, तो फिर किस तरीके से दुआ करनी चाहिए? अल्लाह ताला से ये कहो कि अल्लाह तू अपनी रहम का मामला कर मेरे साथ। क्योंकि देखिए जन्नत आपको जो है वो अमाल के बेस पे, जन्नत की एंट्री की मैं बात कर रही हूँ, आपका जन्नत में जो दाखला होगा, आपके आपको जो जन्नत में एंट्री मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के सामने ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला की रहमत से जो है वो हर बंदा जो है वो जन्नत में दाखिल होगा, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप भी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं भी। तो क्या पता चला, डेफिनेटली एंट्री जन्नत में, एंट्रेंस जो होगी वो सबसे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला उनको दाखिल करेंगे, सबसे पहले वो जाएंगे। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं साथ में कि तुम जो है वो यानी कि अल्लाह की रहमत से ही जो है वो एंट्री जो है आपको जन्नत में मिलेगी। तो हमें क्या दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तेरी रहमत मुझे चाहिए, तेरी रहमत से जो तू कयामत के दिन मेरे साथ जो है वो रहम का मामला करना। इंशाल्लाह सूरह अनआम में जाकर हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है वो अपने ही ऊपर अपनी रहमत को लाजिम कर लिया। वहाँ इंशाल्लाह बिल्कुल इन डिटेल में आपको रहमत की डेफिनेशन इंशाल्लाह बताऊंगी, जब तक थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी देखिए कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान वो अपने दिल में कोई बात छुपाए या उसको जाहिर कर दे, हिसाब तो बहाल होने वाला है, हिसाब तो डेफिनेटली होगा। बहुत यहाँ पर बहुत वाकई खौफ का मकाम तो है ही, बहुत ज्यादा खौफ का मकाम है कि इस, मैंने कहा ना कि इस आयतों पे आए ये सहाबा जो थे बहुत डर गए थे, बहुत उनके अंदर खौफ आ गया था। तो हमारे अंदर कब खौफ आएगा? जब हम आयतों को समझेंगे, नहीं तो हम तो यूं ही इसका वजीफा करते जाएंगे। चलो भाई ये तो अर्श पे आयतें मिली थी, चलो आखिर दो आयतें तो अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं बाद में, लेकिन कोई वजीफे के तौर पे आपको कहे ये पढ़ लो तो बताइए इसमें वजीफा करने जैसा क्या है? और अल्लाह बता रहे ये देखिए कि अल्लाह ने, ये भी बहुत खूबसूरत बात है कि अल्लाह बोलते उसकी मर्जी जिसके लिए वो चाहे वो माफ कर दे और जिसको चाहे वो अजाब दे। क्यों?
कोई अल्लाह से सवाल नहीं कर सकता है, इसलिए वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कभी आपको कोई काम इम्पॉसिबल लगे, कोई काम बहुत मुश्किल लगे, जैसे मैंने कहा ना कि ये जान भी अल्लाह की दी हुई है, आपका माल भी अल्लाह का दिया हुआ है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, तो आपको कभी अल्लाह के रास्ते में माल लगाने को दुख हो या मुश्किल लगे या जान लगाने को मुश्किल लगे, तो ये सोच लो अल्लाह से दुआ क्या करो, अल्लाह तेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, तू कैसा है, अला कुल्ल शयइन कदीर है, तू हर चीज पर कुदरत रखता है, तो अल्लाह मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। हैरत होती है मुझे जो लोग अपनी जान और माल को अल्लाह के रास्ते में लगाना पसंद नहीं करते। ये देखिए कि आप इंसान जो है दो तीन रीजन की वजह से नहीं अल्लाह के रास्ते में निकल पाता है। देखिए कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इंसान ने जितना इस्तेमाल कर लिया, जितनी उसने खा पी लिया, वही उसका अपना है। क्यों? क्योंकि जब एक बार इंसान मर जाता है, जो कुछ वो छोड़ जाता है सब वारिसों का है, सब वारिसों का है, उसका अपना क्या है बताइए, क्या है? अपनी जिंदगी में जो अपने आप से कर गया, अपनी जिंदगी में जो वो अपने हाथ से किसी को दे गया अल्लाह के रास्ते में, वही चीज उसकी अपनी होगी, अदरवाइज सब दूसरे का है। फिकर, अपनी फिकर करिए। मैंने कुरान से जो से सीखा ना, वो अपनी फिकर सीखी। अल्लाह का कलाम आपको अपनी फिकर दिलाता है, और दुनिया की जो नॉलेज है वो आपको दूसरों की फिकर दिलाती है, अपनी फिकर नहीं दिलाती है। जो लोग दुनिया कमाते हैं ना, वो सोचते हैं मेरा फ्यूचर बन जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए, इसका फ्यूचर बन जाए, बनता किसी का नहीं है। आपको क्या पता फ्यूचर, आप इन फ्यूचर आप पहले जाने वाले अल्लाह सुभान ताला के पास या आपका बच्चा जाने वाला है। आप अल्लाह के कलाम को समझने के बाद आपके अल्लाह पे तवक्कुल करना सीख जाएंगे, अपनी फिकर आपको लग जाएगी कि मुझे अकेले ही अल्लाह के पास जाना है। तो कोशिश करिए कि अल्लाह जो कुछ मुझे तूने अता किया है उसको तेरे रास्ते में लगाने वाला बना दे। कोशिश करिए, दुआ करिए अल्लाह से इस तरीके से इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين। अल्लाह की तौफीक से और उसके हुक्म से, उसके फजल से, उसके करम से हम जो है सूरह बकरा के इख्तिताम पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो है वो सूरतुल बकरा की जो शुरुआत हमने की थी वो हिदायत से की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था ज़ालिकल किताबु ला रायबा फीह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इख्तिताम तक पहुँचाया। इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो सूरह नास तक भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुझे और आपको पहुँचा देंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कुरान का सफ़र जो है हमारा मुकम्मल हो गया। तो आज अल्लाह के हुक्म से सूरह बकरा मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप में से कोई मुझे इस बात का जवाब देगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर तीन कौन से तोहफे दिए गए थे, कौन से तीन तोहफे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मेराज पे दिए गए थे, बताइए। कुरान जी जी बोली आंटी, नहीं नहीं कुरान और सूरह बकरा की दो आयतें। माशाल्लाह, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, ऐसे जवाब दुरुस्त कैसे करें। माशाल्लाह बारकल्लाह फी। और तीसरा नमाज, नमाज तो हो गई, नमाज हो गया, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें, और तीसरी चीज पता है आप में से किसी को? कुरान। नहीं 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 नहीं, पता है आप में से किसी को? हाँ बोलो, रुखसार बोलो। अल्लाह का जिक्र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही। नहीं 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 नहीं, ये तोहफा नहीं दिया गया था, ये तो असल में
अल्लाह ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात की थी कि आप अपनी उम्मत को मेरी तरफ से ये पैगाम दे दीजिएगा कि दो कलिमात जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं और वो वजन में बहुत भारी है लेकिन जो है वो जबान पर बहुत हल्के, तो वो है वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, लेकिन ये तोहफा अल्लाह की तरफ से नहीं था। चलिए आपके लिए ये एक्टिविटी है कि वो तीसरी चीज क्या है आप तलाश करिए, हो सकता है आपको बहुत कुछ और मिल जाए इंशाल्लाह। मुझे पता है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्टिव रखना चाहती हूँ। अल्लाह का दीदार? नो बाजी, आयतल कुर्सी? नहीं, आयतल कुर्सी भी नहीं है। चलिए हम अगर ये ऐसी प्राइवेट करते रहेंगे तो जी। हाँ रेहाना, तीसरा कलमा? नहीं 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 नहीं, तीसरा कलिमा भी नहीं है, कलिमे से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। बहुत खूबसूरत बात है, वो एक बात है जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो तोहफे के तौर पर दिया था, और वो तोहफा ता कयामत लोग जो उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला नवाजेंगे उससे। बहुत इशारा मैंने आपको दे दिया। तीसरी चीज बाजी, एक लास्ट चांस बाजी, एक लास्ट चांस। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हारी उम्मत 5 नमाज पढ़ेगी तो उसे 50 नमाज का सवाब मिलेगा। ये तो नमाज का, जब नमाज का तोहफा दिए थे ना तो उस वक्त खैर ये ऐसी खुशखबरी दी गई थी, लेकिन बात ये नहीं है, अलग है, अलग है बात थोड़ी। चले इंशाल्लाह सोचिए, गौर फिकर करिए इंशाल्लाह, ठीक है। आयतों पर आते हैं अल्लाह के हुक्म से। बहुत खूबसूरत आयतें, दो आयतें हैं, बहुत खूबसूरत है, और इसमें जो है देखिए कि अल्लाह ताला जो है वो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज हमें मिल गई है कि देखिए कि पूरा कुरान फर्श पर नाजिल हुआ सिवाय इन दो आयतों के। ये दो आयतें अल्लाह सुभान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अर्श पर दी थी। तो सोचिए क्या शान है इन आयतों की, कितनी यानी शान है। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये हुआ करता था कि आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत रात को पढ़ ले वो उसकी सलामती के लिए काफी है। बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपका मामूल नहीं है तो इसको जो है वो अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करिए इंशाल्लाह, इसको जो है वो मामूल बनाइए कि आप अगर बिस्तर पर भी लेट गई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो सबके मोबाइल में जो है वो कुरान मजीद होता है, तो कोशिश करिए कि कम से कम जो है वो सोने से पहले एक मर्तबा तो, और देखिए कि क्या वक्त लगेगा, ज़्यादा कुछ वक्त नहीं लगेगा इसको आप अगर पढ़ती हैं तो। देखिए कि आज अल्लाह के हुक्म से मैं और आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बेहतरीन इसकी फजीलत बताई है। इंशाल्लाह देखते, बुखारी की रिवायत है ये 5009 में इंशाल्लाह। अच्छा आयत क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमनर रसूल बिमा अंजिल इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनीन। ईमान लाए अर रसूल, ये किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, अर रसूल किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, आप में से बताएगा कोई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मैंने ये दीन इस्लाम दिया है, जो मैंने ये कुरान दिया है, इस पर सबसे पहले मेरे ये जो रसूल हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे पहले ईमान लेकर आए। तो मुझे और आपको अमल की बात क्या मिल रही है कि अगर मैं अगर किसी को फोर्स करूँ कि भाई दीन पर आ जाओ तो उसमें सबसे पहले मेरा रोल लोग देखेंगे जिसको मैं ऑफर कर रही हूँ, तो वो शख्स पहले ये देखेगा कि ये बंदा दीन पर किस कदर है, ये कितने इसके अंदर दीनदारी है। और ये बात बहुत मारूफ है, आपको ये पता है कि देखिए जो बातें हमारे अंदर नहीं होती और हम किसी को उसकी ताकीद करें तो फिर वो बात असर अंदाज भी नहीं होती है, वो बात असर भी नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है। तो सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, आमन रसूलु, ईमान लाए ये रसूल, किस पर ईमान लाए, बिमा उन्जिला इलैही, जो नाजिल किया गया उनकी तरफ। सुभान अल्लाह,
बहुत खूबसूरत बात है कि जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया उस पर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईमान लेकर आए। अच्छा, क्या चीजें नाजिल की गई थी? उनके रब की तरफ से नाजिल जो भी की गई थी, तो बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल किया गया, बताइए जरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल किया गया? कुरान पाक। ओके, बस एक चीज नाजिल की गई। अच्छा, आप शायद आज शायद आप गौर करेंगे कि अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किताब की बात होती, सिर्फ और सिर्फ कुरान की बात होती, तो अल्लाह ताला जाहिर कर देते कि बिमा उन्जिला इलैहिल किताब इलैहिल कुरान, कि जो कुछ नाजिल किया गया उनकी तरफ कुरान। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह ताला जाहिर कर देते कि ये जो किताब नाजिल की गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए। आ रही बात समझे? चलिए, मैंने आपको पॉइंट दिया, अब बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि नो नहीं, ये तो बहुत सीधा सा सवाल है। बताइए आप में से और कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखिए जहां पर सूरत की शुरुआत हुई थी कि वो लोग वो जो ईमान लाते बीमा उन्ज़िला इलैका वा उन्ज़िला मिन क़ब्ली, कि वो जो आप पर नाजिल किया गया, तो वहां पर भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो कुरान नाजिल किया गया उस पर वो ईमान लाते। मैं बहुत इशारा दे रही हूँ आपको, आप बताइए जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या क्या नाजिल किया गया। जी माशाल्लाह बारकल्लाह फी, माशाल्लाह, कुरान और हदीस दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर सिर्फ कुरान की बात होती तो अल्लाह ताला यहाँ पर लिख देते ना कि जो आपकी तरफ कुरान नाजिल किया गया। देखो आयतों से हमको ये सीखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान और हदीस दोनों चीजें नाजिल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई बात अपने तरफ से नहीं कही, उनको जो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहि सलाम के थ्रू बता देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चीज पर बात जो है उसी बात पर अमल करते थे। सुभान अल्लाह, ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ वल मुमिनून और ईमान वाले भी ईमान लाए। अब बताइए ये ईमान की कैटेगरी में वही लोग जाएंगे जो वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान और हदीस जो भी उतारा गया उस पर ईमान रखता है, उसको मानता है और उसमें जो कुछ लिखा है उसको भी मानता है। मजीद अल्लाह ताला बता रहे कुल्लुन आमना बिल्लाही व मलाइकतिही, तमाम की तमाम, अब सब अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये जो ईमान वाले हैं, स्पेशली तो उस वक्त जिस वक्त आयतें उतर रही थी उस वक्त तो खैर स्पेशली जो है वो सहाबा की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तमाम वो जो है वो ईमान लाए किस पर? अल्लाह पर नंबर वन, उसके फरिश्तों पर नंबर टू, व कुतुबी ही और तमाम किताबों पर नंबर फोर, वो रसूल ही और उसके तमाम रसूलों पर। ये सब देखिए जमा के सीगे में जा रहा, सब प्लुरल है, तो हमें क्या कहना है कि अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे तमाम फरिश्तों पर ईमान रखती हूँ, तेरी तमाम किताबों पर ईमान रखती हूँ, क्योंकि देखिए चार मारूफ किताब, चार जो बहुत स्पेशल किताब है उसके बारे में ही हमें पता है, लेकिन अल्लाह आलम के अल्लाह ताला ने न जाने कितनी किताबें उतारी है। तो मेरा और आपका ईमान क्या होना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए कि जो कुछ भी अल्लाह तूने जितनी भी किताबें उतारी है सब पर मेरा ईमान है। उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं और तमाम रसूलों पर। देखिए वो जो एक तादाद बताई गई 1,24,000 की ज़ईफ हदीस है, कोई भी देखिए कहीं पर भी अल्लाह ताला ने कहीं पर भी ऐसा एकदम स्पेसिफिक इसका जिक्र नहीं किया है कि मैंने 1,24,000 ही जो है वो अंबिया और रसूल भेजे। तो देखिए आपको क्वांटिटी से क्या लेना है, आपका ईमान क्या होना चाहिए कि अल्लाह तूने जितने भी रसूल और अंबिया भेजे सब पर हमारा ईमान है, ये सोच आपकी होनी चाहिए। आयतें हमें ये मैसेज दे रही हैं, फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं जब ईमान इंसान के अंदर दाखिल होता है तो फिर क्या बात उसके अंदर आती है, वो कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूले, नहीं हम
फर्क डालते हैं, नहीं हम फिरके में डालते हैं किसी एक, या नहीं हम बिल्कुल जो है वो तफर्रुक में डालते हैं किसी एक को भी इन रसूलों में से। मतलब हमारी नजर में अल्लाह ताला तूने जितने रसूल अंबिया भेजे सब पर हमारा ईमान है, हम किसी के बीच में तफर्रुक नहीं डालते, फर्क नहीं डालते। मतलब ये हमारा ईमान है कि सब अल्लाह की तरफ से थे, सबको अल्लाह ने ही भेजा था, और जितने भी रसूल और अंबिया आए सब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सब सबको अल्लाह ताला ने ही भेजा था। तो आपको और मुझे ये कहना है कि अल्लाह हम भी तेरे किसी रसूल के पीछे फर्क नहीं डालते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, ये है असल बात कहने की। पूरा कुरान आपसे ये चाहता है कि अल्लाह के पैगाम को सुनने के बाद आप ये कहिए वक़ालू, और क्या कहो, समीना व अतअना, क्या कहा, हाँ, और उन सब ने कहा कि हमने सुना और हमने इताअत की। ये जुमला आपको और मुझे कहना है कि अल्लाह तेरे कलाम को मैंने सुना और इंशाअल्लाह मैं इताअत करूंगी, मैं इस हुक्म पर अमल करूंगी, मैं इस हुक्म को मानूंगी। देखिए ये बहुत खूबसूरत मकाम है यहाँ पर जो अल्लाह ताला मुझे और आपको समझाना चाह रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद जो है जब सहाबा इतना तक कि अल्लाह हमने सुना और हमने इताअत की, उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो उसके बाद सहाबा क्या कहते थे, गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। हम क्या चाहते हैं अल्लाह, हमने सुन लिया, हमने इताअत की, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमें बख्श दे, हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे। देखिए एक जुमला तो ये होता है ना कि अल्लाहुम्मा गुफरानका, ऐ अल्लाह तू हमें माफ कर दे। यानी आयतों का इतना असर सहाबा पे होता था कि वो बिल्कुल भी यानी अल्फाज पूरे नहीं निकलते थे। गुफरानका रब्बना, माफ कर दे है हमारे रब, बस तू माफ कर दे। जैसे कि समझिए कि एक प्यासा शख्स है और इतना प्यासा है कि वो आपके सामने पूरा जुमला नहीं बोल पा रहा है, मुझे प्यास लगी है पानी पिला दो। अब वो आपसे कहता है बस पानी पानी पानी, यानी इस कदर उसको प्यास लगी हुई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इंसान के दिल में आयतें ठुकती हैं, उसको अल्लाह की आयतें समझ आती हैं, उसको रसूलों का मकाम अल्लाह की कदर जब उसके दिल में आती है, तो वो एक ही फिक्र अपनी करता है कि ऐ अल्लाह बस तू मुझे माफ कर दे। फिर उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह से बख्शिश मांगने में चली जाती है। किस बेस पर बंदा अल्लाह से मांगता है बताइए जरा, इस बेस पर कि उसको ये पता होता है वह इलैकल मसीर, कि अल्लाह तेरी ही तरफ हमें लौट कर आना है। कभी हमने सोचा कि ये जिंदगी जब मेरी खत्म होगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा रहे हैं कि ये देखो तुम जब मरोगे, तुम्हारी जिंदगी जब खत्म होगी तो तुम्हें मेरी तरफ लौट कर आना है। और ये बंदे को सोच देती है और अपनी मगफिरत करवा के ही छोड़ता है ऐसा बंदा जिसकी ये सोच, जिसका ये अकीदा, जिसकी ये बिल्कुल यकीन होता है इस चीज पर कि मर कर मेरे रब की तरफ मुझे जाना है। और जो ये सोचता है कि नहीं कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा है वैसा है, तो ठीक है अल्लाह ताला बोलते ठीक कर लो अपनी मर्जी, तुम्हें जो करना है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करिए कि बिल्कुल भी जो है वो अल्लाह ताला हमें जो है अपनी हमारी जिंदगी खत्म होने से पहले पहले अल्लाह ताला जो है वो मेरी और आपकी जो है वो बख्शिश कर दे। देखिए एक दूसरे की मगफिरत मांगना, ये एक दूसरे को आप ये तोहफा दीजिए, बहुत खूबसूरत तोहफा है। यही एक चीज के लिए इंसान जो है वो जिंदगी में भी मोहताज है और मरने के बाद तो बहुत ही ज्यादा मोहताज है। आज एक बहुत खूबसूरत आयतें चल रही है, अल्लाह की महफिल है, अल्लाह का कलाम हम पढ़ रहे हैं, जरा एक नियत अपने आप से कर लीजिए, सच्चे दिल से करिए कि हम में से कोई रहे या ना रहे हम एक दूसरे की बख्शिश की जो है वो दुआ इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह।
और आपको किसी का नाम नहीं पता ना, किसी का नाम नहीं पता है ना आपको, तो कम से कम आप इतना तो कह सकते हैं, अल्लाह तुझे पता है वो मेरा एक ग्रुप था, हम जो है तेरे कलाम को पढ़ते थे पढ़ाते थे, अल्लाह मेरे सारे साथियों की बख्शिश कर दे तू, सारे साथियों के गुनाहों को माफ कर दे तू, तो इंशाल्लाह इस तरीके से जो है वो हम अल्लाह के हुजूर में अपने लिए अपने साथियों के लिए जो है वो दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए मस्जिद अल्लाह ताला 286 में सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, मैंने आपसे ये कहा था कि सूरतुल बकरा के आखिर में मुझे आप लोगों से फीडबैक चाहिए इंशाल्लाह, तो है वो जो आप दीजिए, और जिन लोगों ने नहीं सुना उसको कम्प्लीटली सुन लीजिए उसके बाद फीडबैक दीजिए, क्योंकि कुरान की एक तवील सूरत अल्लाह ताला ने मुकम्मल करवा दी अपने हुक्म से अपने फजल से इंशाल्लाह। अब मस्जिद ये जो आयत है 286, अब कोई ये सोचे कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम कोई चीज छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। सहाबा जब डरे घबराए तो फौरन अल्लाह ताला ने उस आयत पर, उनके डर पे उनके खौफ पर इस आयत का जो है वो खुलासा कर दिया, ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं। ये है असल चीज, ये है असल चीज। क्या पता चला बात वहां पे हिसाब की थी, तो आपको क्या लगता है फिर एक बंदे मोमिन कैसे जिंदगी गुजारे, कैसे जिंदगी गुजारे, हिसाब देना पड़ेगा, तो इसलिए तो, मतलब इस्तेतात होते हुए भी, मतलब अगर उसको साहिब हिसाब है, साहिब इस्तेतात है, तो वो एकदम यानी कि बिल्कुल तकवे के नाम पर जो एकदम फकीरों की जैसे जिंदगी गुजारे। कुछ लोग तकवे के नाम पर इस तरीके की जो बातें करते, तो ये देखिए कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्या बात है, हिसाब तो होगा डेफिनेटली, चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए आप, अगर आपका माल और अल्लाह ने आपको नियामतें दी हैं, हिसाब तो होगा, लेकिन आपके पास जो भी नियामतें हैं अल्लाह की दी हुई, अगर वो हलाल कमाई की है, जायज चीज है, तो यकीन करिए अजाब नहीं होगा आपको, यकीन करिए इस बात पर। हिसाब क्या होगा कि हाँ ठीक है चलो, तुमने जो है मतलब भाई तुम्हारी इतनी इनकम थी, तुमने अपने ऊपर ही क्यों सारा खर्च कर दिया, तुमने अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं दिया, ऐसा थोड़ा बहुत हिसाब आपका होगा, लेकिन अजाब आपको नहीं होगा। अगर आपकी वो नियामतें जो अल्लाह ने आपको अता किए और वो दुनिया की सारी चीजें जो है वो हलाल कमाई से होगी और जायज होगी, तो आज लोगों को हिसाब और अजाब में ना फर्क नहीं पता, पता है आपको, इसलिए लोग है ना यानी सारी चीजें होने के बावजूद भी तकवे के नाम पर उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए हिसाब और अजाब में बहुत डिफरेंट है। हाँ लेकिन अजाब कब होगा, अल्लाह ने आपको नवाजा, आपने जो है वो गलत तरीके से कमाया, हिसाब भी होगा अजाब भी होगा। मतलब मसलन देखिए कि अल्लाह ने आपको जिन चीजों पे जो है वो जकात निकालनी चाहिए और आप उस पर निकालती नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपको आपका हिसाब भी नहीं होगा, अजाब भी नहीं होगा। और जिन चीजों पर आपने जकात नहीं निकाली उसका अजाब तो भुगतना ही पड़ेगा आपको, आधी बात समझे। तो हिसाब और अजाब दोनों चीज अलग है। बहुत अच्छी बात है, आप अपना घर बनाइए, फ्लैट बनाइए, बंगला बनाइए, एक से ज्यादा आपके घर में मेंबर है, 10-10 गाड़ियां रखिए, अल्लाह ताला मना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ 10 लोग गए भाई, 10 लोगों को 10 गाड़ियों की जरूरत है, हाँ लेकिन वो चीजें आप सिर्फ दुनिया दुनिया में इस्तेमाल कर रही है, हलाल कमाई से आपने जो है उसको हासिल किया है, कोई बात नहीं आप उसको यूज करिए, अल्लाह ताला मना थोड़ी करते, लेकिन आप सिर्फ उससे दुनिया का काम ले रही है, इस तरीके का आप थोड़ा बहुत हिसाब तो होगा आपसे। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको अभी ये हिसाब और अजाब का? अल्लाह ताला देखो ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने से मना थोड़ी करते अल्लाह ताला कि नहीं नहीं मैंने तुम्हें जो है इस्तेआत दी है कि तुम 10-10 हजार की ड्रेस जो खरीद सकते हो पहन सकते हो, फिर भी तुम जो देखो इस तरीके के। देखिए ऐसा है कि अल्लाह ताला किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते, सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि उसमें कहीं पर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नाफरमानी नहीं झलकनी चाहिए। बाकी आप ऐसा थोड़ी कि अल्लाह ताला जो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी जो बिल्कुल ऐसा इस्तेआत होने के बावजूद भी ऐसी जिंदगी गुजारो, नहीं।
कहीं पर भी देखिए कि अगर अल्लाह की कोई नाफरमानी हो रही है, फौरन उस काम को छोड़ दीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो कोशिश करिए हिसाब और अजाब को जो है अलग, इस तरीके से जो है वो अलग रखने की। लोग इस चीज को समझते नहीं और न जाने अल्लाह की पनाह की क्या 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 बातें जो है वो बनाते रहते तकवे के नाम पे, ऐसी बात नहीं है। जब ये आयत उतरी तो उसके बाद सहाबा के दिल को राहत मिली कि ये अच्छा है कि अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि नहीं नहीं तुम्हारी जान से ज्यादा मैं तुम्हें तकलीफ में या बोझ में नहीं डालूंगा। तो क्या पता चला इससे, पता है आपको इस ये आयत मुझे और आपको क्या खुलासा कर रही है, क्या खुलासा हो रहा है मुझे और आपको इस आयत से, पता है आपको ये देखिए कि कोई इंसान ये सोचकर, अल्लाह ताला बोल रहे हैं एक शख्स पूरी इस्तेआत रखता था कि वो अल्लाह के रास्ते में कुछ कर सकता है, अल्लाह के दीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन छोड़ कर गए हैं उसको आगे बढ़ा सकता था, उसके अंदर इतनी इस्तेआत थी चाहे वो जान से थी चाहे माल से थी, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों से हिसाब लेंगे अल्लाह ताला, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, खुद फरमा रहे हैं कि मैंने किसी भी जान पर जो है उसके उससे ज्यादा जो है वो भार नहीं डाला बिल्कुल। और ये बहुत खूबसूरत बात है, ये इंसाफ है अब्बा का, ये अब्बा का इंसाफ है कि जो देखिए कि आप कभी आप किसी को देखते ना कि ये कितना काम करती है, क्या है ऐसा ऐसा, जैसे मुझे भी खैर लोग कहते हैं ऐसा कैसे तुम संभाल लेती हो, घर भी है शौहर भी है बच्चे भी है, यानी बाहर पढ़ना पढ़ाना ये वो सब, मैं ये आयत पढ़ के सुना देती हूँ बिल्कुल। ला युकल्लिफुल लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह को पता है उसने मुझे पैदा किया है, उसने मुझे जान दी है, उसे पता है कि ये मेरी बंदी इतना इतना काम कर सकती है तो मुझसे करवाता है, मेरी क्या हैसियत है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं अल्लाह के दीन का कुछ काम कर सकूं, ये उसका फजल है कि वो मुझसे काम ले रहा है, ये शुक्र है अल्लाह का। और इसी तरीके से देखिए कि बिल्कुल भी कभी भी अपने आप को बेचारा मत समझिएगा, हाय मैं दीन का इतना काम करती हूँ, हाय मैं ये करती हूँ, हाय वो मैं करती हूँ, नहीं कभी भी नहीं, बल्कि आपकी ये सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी भी नफ्स पर उसके बोझ से बोझ जो है उसके उसर से ज्यादा नहीं डालते। कभी भी अपने आप में बड़ाई नहीं मारना है आपको कि देखो देखो मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ वो करती, नहीं अल्लाह को पसंद नहीं है बिल्कुल। क्या पता आपकी कोई बात अल्लाह को नाराज कर दे और आपसे ये नियामतें छिन जाए, कभी भी नहीं, कभी भी। देखिए जब दुनिया के मामले में तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं तो आप क्या समझते दीन के मामले में पसंद आएगा, नहीं कभी भी नहीं। आपको भी अगर कोई कहे तो आप ये आयत सुना दीजिए और यकीन करिए कि अल्लाह ताला ने कोई भी हमें काम ऐसा दीन में नहीं दिया है जो हमारी वुसअत से बढ़कर हो। नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है तो बताइए जरा कि कौन ऐसा शख्स है जिसको ऐसा बोझ लगता होगा, नहीं नहीं बाबा मैं 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकता हूँ, क्या भारी बात है, कोई भी भारी बात नहीं है, अल्लाह को पता है मेरे बंदे कर सकते हैं इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर जकात की बात है, उसके बाद ऐसी जो है वो हज की, हज ऑप्शनल, हज इज ऑप्शनल, उसके बाद रोजे की, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ने बहुत एक्सेप्शन रखे हैं दीन के काम में भी, शायद आपको बात समझ आ गई है इंशाल्लाह। अच्छा फिर अगली बात जो अल्लाह ताला बता रहे, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, आप में से कोई बताएगा मुझे आयत में थोड़ा सा फर्क क्या है, पढ़ने के एतबार से ही बता दीजिए, चलिए थोड़ा सा फर्क क्या है इसके अंदर। अजी अलीफ का फर्क है, अलीफ का फर्क है, चलिए माशाल्लाह गुड। और एक चीज जो थोड़ा सा फर्क है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मानने के एतबार से बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, बताइए चलिए। पर ते भी है, शुरुआत में भी ते आया है, ता शुरू में ता आया, चलिए ठीक है। ये लिखने के एतबार से ग्रामेटिकली है वो कुछ, जो आप में से थोड़ा सा अगर ग्रामर जानते हैं तो देखिए कि साउंड चेंज कसबत फिर मक्तसबत, साउंड चेंज अरबी की यही खूबसूरती है, आपने जरा सा आवाज कमाई के लिए और से मीनिंग कमाई के आ रहा है, कमाना उसका मानी जो है वो कमाने में आ रहा है, माशाल्लाह गुड वेरी गुड।
वेरी गुड। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे लहा मा कसबत कि उसी के लिए है जो उसने कमाया। अब ये हा लहा हा किसके लिए गया है यहाँ पर, हा नफ्स के लिए गया है, जान के लिए गया है, इंसान के लिए गया है कि जो भी इंसान जो भी आमाल कमाएगा लहा वो उसके लिए होगा, वह अलैहा मक्तसबत और उसी पर होगा जो उसने कमाया। अब बताइए मुझे जरा ये उसके लिए और उसी पर इसमें आपको क्या फर्क वाजे हो रहा है? बस एक एक अलै और ला, हालांकि लहा हालांकि दोनों हरूफ़े जर हैं लेकिन मानी के एतबार से वेरी वेरी अपोजिट, दोनों एक दूसरे की जिद है। लहा जो कुछ भी उसने अच्छे काम किए, जो भी नेकियां उसने कमाई लहा वो उसके लिए होगा उसका अजर, उसी के लिए होगा उसका अजर। वालेहा मक्तसबत और जो कुछ भी वो बुराई कमाएगा वो जान वो नफ्स उसका अजाब का वबाल उसी पर होगा। देखिए लिए और पर बस इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि कोई ये कहे कि देखो भाई ये 10,000 तुम्हारे लिए है और फिर ये कहे कि ये 10,000 तुम पर है, फर्क समझ आ रहा है? यहाँ पर तुम पर बोले तो मुझे देना है यहाँ पर, और तुम्हारे लिए वो मतलब मेरे लिए है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो यही अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंसान जो है, इंसान जो कुछ भी अच्छे काम करता है तो उसका अजर उसको मिल कर रहता है। हाँ लेकिन ऐसा मत सोचो कि बुरे काम करोगे तो किसी और को गुनाह मिलेगा, नो, बल्कि जो कुछ भी तुम जो है वो बुरे काम करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर ही आना है। यानी यहाँ सहाबा डरे इस आयत पर कि हर नफ्स का मुहासबा तो होना है, हर नफ्स को उसका हिसाब तो चुकाना है। सहाबा जब डरे तो अल्लाह ने फौरन ये आयत उतार दी, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने ये भी कह दिया अच्छे काम करोगे तो उसका अजर तुम्हें मिलेगा, बुरे काम करोगे तो उसका वबाल भी तुम पर आने वाला है। अब जब ये बात सहाबा ने सुनी तो फौरन वो तो अपने रब को पुकार पड़े, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तौना, ऐ हमारे रब नहीं तो पकड़ना हमें अगर हमसे कोई भूल हो जाए या कोई खता हो जाए। अब चलिए मैं भूल और चूक, आम जबान में भूल चूक हो जाए, मुझे दोनों में फर्क करके कोई बताएगा भूल और चूक में फर्क क्या है? भूल गलती से हो जाती है और मुझे आवाज नहीं आ रही रुमाना तुम्हारी, तुम माइक एकदम, और कोई जवाब देगा? जाने को भूल कहते हैं और चूक जानबूझकर। हाँ फरकंदा बाजी आपकी आवाज सही नहीं आई, बताइए जरा फर्क। जी बोलिए। हाँ भूल भूल मतलब गलती से हो जाए और चूक जानबूझ के हम लोग करे, मतलब इरादे के साथ करे। नहीं आप थोड़ा सा फर्क कर रही हैं, जरा थोड़ा सा फर्क कर रही है। भूल इंसान कैसे करता है जानबूझकर? नहीं भूल मतलब गलती से हो जाए, यानी भूल गया ऐसे हो जाए। हाँ मतलब ओके ओके ठीक है, इंटेंशनली नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ अफशा क्या बोल रहे हैं? इंटेंशन हो। यस अफशा क्या बोल रहे हो? वही बोल रही थी भूल जाने को भूल कहते हैं और जो गलती से हो जाए तो चूक जाए। चलिए एकदम आसान अल्फाज में कोशिश करती हूँ आपको बताने कि ये देखिए कि आपको कोई नेकी का मौका दिया गया, ठीक है, आपको कोई जो है वो नेकी का मौका दिया, अल्लाह ने अता किया और आप उसको नहीं करें, भूल गए आप, क्या हो गया? भूल गए तो क्या हो गया, यानी एक छोड़ गए ना दूसरी कर लेंगे नेकी। अल्लाह ने मौके दिए आपको लेकिन आप भूल गई उसको करने के लिए, इस पर भी अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह पकड़ नहीं करना। इतनी खूबसूरत दुआ है ना, यकीन करिए आप इसको जिंदगी मिलाकर देखिए अपनी। अच्छा चूक क्या हो गया? मौके मिले आपको लेकिन आपने उसको एकदम
एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से नहीं किया, बेहतरीन तरीके से आपने उसको नहीं किया। तो सहाबा ये दुआ मांग रहे, देखिए अल्लाह ताला जो मौके मिले हमें और हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है। भूल क्या है? मौका मिलना और छोड़ देना। चूक क्या है? काम को आपने किया लेकिन आसान दर्जे से नहीं किया, एकदम वेल डन नहीं किया आपने। अब क्लियर हुई बात आपको? तो ये देखिए कि जब हम अल्लाह के रास्ते में हैं तो हमको कितनी जरूरत है इस दुआ की। हम न जाने कितने मौके छोड़ देते हैं, काम करते उसमें भी इतनी गलतियां, इतने टूटे फूटे तरीके से। तो इन दोनों चीजों पर हमें अल्लाह से जो है वो माफी मांगनी है, दुआ मांगनी है। नंबर टू इज रब्बना वला तहमिल अलैना, ए हमारे रब नहीं तो बोझ डाल हम पर, इस रन कमा हमल तहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना, जैसा बोझ तूने डाला हमसे पहले के लोगों पर। ये बात यकीन करिए कि मुझे बहुत बाद में समझ आई थी, जब वाकई जब समझ आई तो पर वाकई जब समझ आई तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये देखो ये सहाबा इतना सब काम करने के बाद ये दुआ मांग रहे, और हमें जो है पहले से ही समझाया जा रहा है कि अल्लाह मतलब तू हम पे वो बोझ नहीं डालना। अब देखिए आप, आपको फर्क पता चलेगा हमला, आप मुझे बताएगा कोई हमल क्या होता है? उर्दू जिसकी अच्छी होगी, हमल बोझ को कहा जाता है, इसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडी को भी हमला कहा जाता है। हमल वो बोझ होता है जिस हल्का बोझ आप समझ लें जिसको आप आसानी से उठाकर चल सकती हैं। जैसे हमाल किसको कहा जाता है? जो कैरियर होते हैं, जो लोग सर पे सामान रख के चलते हैं, क्योंकि वह आसानी से सर पे सामान रख के चल रहे हैं। तो हमल वो बोझ होता है, हल्का बोझ होता है जिसको आप आसानी से उठाकर चल सकते हैं। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी आराम से चल फिर सकती है, वो इतनी परेशानी नहीं होती उसको। हाँ, लेकिन हल्के बोझ के साथ साथ जब वो बोझ बहुत भारी हो जाता है तो अरबी में उसको इसरन कहा जाता है। इसरन भारी बोझ, क्या तू हम पर ना हल्का बोझ डाल और ना ही भारी बोझ जैसे तूने पहले के लोगों पर डाला। अब यहाँ पर किस बोझ की बात चल रही है, कोई बताएगा मुझे कौन से बोझ की बात चल रही है यहाँ पर? सन्नाटा जवाब दीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। अब देखिए कि यहाँ पर असल में बात जो है वो दीन और शरीयत की बात है, दीन और शरीयत की बात है कि पहले के जो लोग थे उनकी जो शरीयत थी उसका जो बोझ उनके ऊपर था, उनका जो बोझ उसके उनके ऊपर था। फॉर एग्जाम्पल कि बनी इसराइल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो उन लोगों की थी, उनके रोजे जो थे वो पूरे पूरे दिन का रोजा होता था 24 घंटे में, यानी रोजे के वो बोझ एक अल्लाह ताला ने जो है ये कम किया उम्मत मोहम्मदिया पे। उनकी ज़कात थी 25%। सोचिए जरा, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था इसको तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि, और शुक्र किया था अल्लाह का कि अल्लाह तूने उम्मत मोहम्मदिया की शरीयत में जो है 2.5 दिया है, उनको 25% ज़कात अदा करना पड़ता था, रोजे बड़े भारी होते थे उनके। फिर उसके साथ साथ देखिए कि उनको गोश के साथ साथ वो जो चिकनाई होती थी वो हराम थी, वो नहीं खा सकते, और ये चीजें हम सारी कुरान में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। उनको जो है वो यानी हम जो देखो गोश के ऊपर चिकनाई लगी होती है हम खा लेते ना, नहीं उनको हराम था, वो नहीं खा सकते थे। नाखून वाले जानवर नहीं खा सकते थे, वो हराम था उनके लिए, जैसे कि हम चिकन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह भी खा लेते हैं। इसी तरीके से कि पहले जो है औरतों की जो जैसे कि किसी का शौहर फौत हो गया तो उसकी जो बेवा औरत होती थी उसकी इद्दत जो होती थी वो 1 साल की होती थी। अल्लाह अकबर, इस तरीके से जो है वो। तो देखिए कि अभी आप आपको सुन के ही कितना बोझ सा लग रहा होगा ना,
तो अल्लाह ताला ने वो शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत दी, तो यकीन करिए कि पहले की बनिस्बत ये बहुत आसान शरीयत उम्मत मुहम्मदिया को मिली है। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करिए। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं यहाँ पर कि ये सहाबा ऐसी दुआ करते थे कि अल्लाह पहले के लोगों पर जो तूने बोझ डाला था, ये शरीयत का जो बोझ था, अल्लाह हम पर ऐसी बोझ नहीं डालना। एक ये चीज हो सकती है। दूसरा ये देखिए आप कि जो भी मतलब बोझ ऐसा बात पूरी करते इंशाल्लाह आयतों के जरिए कि इस रन कमा हमल तहु अलल लजीन मिन कबलिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बी। ऐ हमारे रब, नहीं तो हम पर बोझ डालना जिसकी हमको ताकत नहीं है। यकीन करिए इतनी प्यारी बात है ना। आप अल्लाह के रास्ते में निकली हैं, आप अल्लाह के दीन का काम कर रही हैं और आप अल्लाह से ये बोल रही हैं, अल्लाह जो मेरी ताकत से बाहर है ना वो काम नहीं लेना। तो बताइए आप अल्लाह के दीन का 24 घंटा भी अगर काम करें, चलिए 6 घंटा सोने का निकाल दीजिए, तो आप अगर 18 घंटा भी अल्लाह के दीन का काम करती हैं और बज़ाहिर तो लोगों को ये लगेगा हाय बेचारी कितना काम करती है, कितना बोझ है इसके ऊपर, उनको क्या पता आप कितना इंजॉय कर रही हैं अपनी ज़िंदगी को। आप तो अल्लाह ताला से बोल रही है अल्लाह ऐसा बोझ बिल्कुल नहीं देना जिसको मैं उठा नहीं सकती। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि आप फॉर एग्जाम्पल कि एक माँ है, एक माँ जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने बच्चे को ज़िंदगी दी, और वो जो क्या वो माँ अगर वो बच्चा 2 या 3 साल का है तो उस बच्चे को बोले कि बेटा जरा ये 10 किलो की बोरी यहाँ से उठा के वहां रख देना। कोई माँ ऐसा करती है क्या? अगर आप यानी किसी माँ ने ऐसा किया तो आप बोलोगे बड़ी जालिम माँ है ये, कितना जुल्म कर रही है अपने बच्चे के ऊपर। बताओ इतना छोटा सा बच्चा, बताओ वो 5 किलो 10 किलो का बोझ उठा सकता है क्या? फिर सोचिए कि वो रब जो हमारी माँ से भी बहुत 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, तो क्या हम उसके बारे में ये गुमान कर सकते? जो लोग यकीन करिए अपनी जिंदगी को बोझ समझते ना, हाय अल्लाह ने क्या जिंदगी दी है, इतना बोझ डाल दिया हमारे ऊपर, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारियों का रोना रोते ना, असल में उन्हें तवक्कुल नहीं है अल्लाह पर। ये आयतें जिनको समझ आ जाती ना, यकीन करिए कभी अपने रब से शिकायत नहीं करते सिवाय शुक्रगुजारी के। उनके अंदर जो इतनी शुक्रगुजारी आती है वो इत्मीनान रहता है उनको। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, उनको इस बात पर यकीन आ जाता है, उनका अकीदा दुरुस्त हो जाता है कि मैं क्यों अपने आप को बेचारा या बेचारी समझ रही हूँ, अल्लाह ताला तो बोल रहे बोझ से ज्यादा, मैं तो उसकी उसत से ज्यादा किसी पर बोझ भी नहीं डालता हूँ। दिल और दिमाग बिल्कुल रिलैक्स रहता है, बड़े इत्मीनान में बंदा जिंदगी गुजारता है। तो देखिए आज अगर आज तक आप अपनी जबान से ऐसे कलिमात निकालते थे तो ऐसे कलिमात को अपने दिल और दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो है अल्लाह ताला, तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी प्यारी बात यहाँ पे सिखाई और समझाई है। आप अल्लाह के दीन का काम करने का इरादा करिए, इस दुआ को अभी से पढ़ना शुरू करिए, बड़े स्मूथली अल्लाह ताला आपसे अपने दीन का काम लेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ देखिए सहाबा इतना वेल डू काम करते थे, उसके बावजूद भी कितनी खूबसूरत दुआएं करते थे, वाफ़ अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन। माफ कर दे हमको ऐ अल्लाह, दरगुजर कर हमसे। दीन पर इतना अमल करने के बावजूद यकीन करिए जो लोग दीन पे अमल कर रहे हैं या जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, बहुत ज्यादा अल्लाह के हुजूर में, ताकि अल्लाह ताला उन्हें और मौके दे दीन का काम करने को और शैतान उनके ऊपर हावी ना हो कि उनके अंदर एक तकब्बुर आ जाए और वो शैतान उन्हें जो है वो बिठा कर रख दे। बहुत ज्यादा हमें जो है और आपको ये दुआएं मांगने की जरूरत है। वाग़फिर लना, बख्श दे अल्लाह, बस बख्शिश कर दे तू हमारी, कुछ नहीं चाहिए तुझसे हमें, वरहमना रहम कर हम पर, ये सबसे ज्यादा जरूरत है हमें मांगने की। अल्लाह तेरा रहम होगा हम पर तो हर काम हम आसानी से कर लेंगे। किस बेस पर मैं अब्बा से दरगुजर मगफिरत और रहम मांगू? इस बिना पे अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई वली नहीं है, अंत मौलाना तू ही मेरा वली है, तू ही मेरा मौला है।
और देखिए वली मौला उसको कहा जाता है जो आपके हर चीज के लिए काफी होता है, चाहे वो आपका मामला दुनिया का हो या आखरत का हो। और उसके साथ साथ फंसूरना अलल कौमिल काफिरी, अल्लाह तू हमें जो है काफिर काफिर कौम पर गलबा अता फरमा, काफिरों पर हमें हमेशा ऊपर रखना, उनका हम पर कोई जोर ना हो। इस तरीके से जो है वो है नहीं, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से सूरह बकरा का इख्तिताम मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर देखिए कि सूरह बकरा की आखिर में जो है वो कुफार जो है वो कुफार पर जो है वो जो गलबा पाने की दुआ की गई है कि अल्लाह हमको काफिरों के ऊपर रख। और इसी तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो सूरह आले इमरान में जो है वो कुफार के साथ मामलात और हाथ और जबान से उनके जिहाद का बयान इंशाल्लाह आगे जो है हम सूरह आले इमरान में पढ़ेंगे। यानी आप ये कहिए कि इख्तिताम जो हुआ उतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने जो है वो आगाज किया सूरह आले इमरान का, कितने खूबसूरत तरीके से इख्तिताम अल्लाह आपको अल्लाह ने किया सूरह अल बकरा की। और शायद आप में से देखिए जो लोग नहीं पढ़ते थे, कोशिश करिए अब देखिए कि अगर इसको हम पढ़ें, आप लोग भी एक दफा दोहरा लीजिए ताकि आपका तलफ्फुज़ जो है वो सही हो जाए इंशाल्लाह। पढ़ लीजिए इंशाल्लाह आप लोग भी अनम्यूट करके इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना रसूल बिमा उंज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين آمين يا رب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں جو کچھ بھی تو نے ہمیں سکھایا پڑھایا سمجھایا ان سب آیتوں پہ جو ہے مجھے اور آپ کو ہر سننے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. حالانکہ اندر سے مجھے ایک دکھ سا محسوس ہو رہا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی, کیونکہ بہت خوبصورت سورت تھی, بہت ہی خوبصورت, کہ اس کو آپ سنیے. اگر آپ کا کچھ مس ہو گیا ہو یقین کریے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی, کیونکہ اتنے احکامات, زندگی گزارنے کا پورا شعور آپ کے اندر آ جائے گا. زندگی گزارنے کا اتنا مطلب طور طریقہ اللہ نے بتایا. ایک تو احکامات اس کے اندر آئے ہیں, ہر جو اچھی بری ہر ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے حکم سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. تو بہت ایک خوشی بھی ہو رہی ہے کہ چلو الحمدللہ آگے ہم بڑھیں گے, لیکن ایک دکھ بھی ہو رہا ہے کہ کیوں سورۃ البقرہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. دیکھیے قبولیت کے لیے بہت زیادہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر کسی کی کوشش کو جو ہے وہ قبول کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی مغفرت کریں, ہمارے والدین کی مغفرت کریں, اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ہماری ذریت کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیں اللہ تعالیٰ. اور دیکھیے آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو اور جو کچھ بھی اس میں بھول چوک ہوئی ہو یا جو کچھ بھی اپنی طرف سے میں نے کہا اور اللہ نے اس کو ناپسندیدہ جو ہے وہ ناپسند کیا, تو اللہ تعالیٰ میری ان کوتاہیوں کو, میرے ان الفاظ کو, میرے ان جملوں کو جو ہے وہ درگزر کرے اور سب کے ذہن سے نکال دیں اور مجھے بھی معاف کر دے. اور انشاءاللہ سبحان اللہ وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. ربي اغفر لي ولوالدي للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ایک مسئلے کا حل پوچھنا تھا. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے, کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدے مند ہو, اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے, تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے,
इंशाअल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु व इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।